मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में जन्मदिन बड़े धूमधाम तरीके से मनाया और इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और आया राम गया राम की राजनीति से भलीभांति परिचित है। वहीं मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर सीएम सुक्खू ने ये कहा कि वे हिमाचल की बेटी हैं, उनके माता पिता यहीं पर रहते हैं और उनके पिता को मंडी में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। हमने महिलाओं के बीच 1500 रुपए बांटकर महिला सम्मान निधि की शुरुआत की है। कांग्रेस तो महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा से आगे रही है। जब से मेरा जीवन छात्र जीवन से संघर्ष और चुनौतीपूर्ण रहा है और राजनीतिक चुनौतियां हमेशा रही है, लेकिन जिस प्रकार से जनता के वोट से जब वो जीत नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, नोट के दम से सत्ता हत्याने की जो कोशिश की है वो बड़ी दुखद बात है। और इस समय मैं जन्मदिन के अवसर पर ऐसी बात पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आने वाले दिन में जब हम युद्ध भूमि में होंगे तो इन सब बातों का आने वाले समय में जवाब देंगे। अप्रैल से मैं अपना पूरे हिमाचल प्रदेश का टूर शुरू कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हिमाचल की जनता बुद्धिमान है, हिमाचल की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली है, हिमाचल की जनता इस प्रकार की खरीद फरोख्त की राजनीति से छुटकारा भी दिलाने वाली है। और निश्चित तौर पर जो हिमाचल में आया राम गया राम का कल्चर है उसको भी हिमाचल की जनता 1 जून को सबक सिखाएगी। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कंगना रनौत जो हिमाचल की बेटी है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो हमने कहा मना किया, हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनशक्ति बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की, महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की।